ममता बनर्जी बंगाल में अपना कानून चलाना चाहती हैं। वे ऐसे पेश आती हैं जैसे बंगाल कोई अलग देश हो और वो वहाँ की प्रधानमंत्री हो। तभी तो केंद्र सरकार की हर योजना को बंगाल में लागू करने को लेकर ममता बनर्जी आनाकानी करती हैं, जिससे नुकसान बंगाल के लोगों को ही होता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सामने आकर ममता सरकार को आदेश देना पड़ता है। इस बार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी है। दरअसल वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर विपक्ष ने राजनीति चमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार से लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार तक इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को विपक्ष लगातार घेर रहा है। पर कुछ दिनों पहले केजरीवाल को उनके सवालों का जवाब मिलने के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को लागू करने का ऑर्डर दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि कोई बहाना नहीं, तुरंत लागू करें वन नेशन वन राशन कार्ड। अदालत ने ये भी कहा है कि आप एक या दूसरी परेशानी का हवाला नहीं दे सकते, ये प्रवासी मजदूरों के लिए है। गौरतलब है कि ममता सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पश्चिम बंगाल में लागू ना करने की बात कही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को इसे तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत पूरे देश में पीडीएस धारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि इसके बाद नौकरी या दूसरी वजहों से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले लोगों को सब्सिडी का राशन मिल पाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही राज्यों को चेतावनी दे चुका है कि जनता की कल्याणकारी योजनाओं पर वो गूंगा नहीं बैठेगा। ये चेतावनी विपक्ष को फिर से याद दिलाई जा सके, उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ममता के बहानों पर रोक लगा दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस योजना को ममता पहले ही नकार चुकी थी। आगे अगर मोदी सरकार इस मामले पर आवाज उठाती तो ममता कोर्ट जाने की धमकी देती, लेकिन ये सब होता उससे पहले ही कोर्ट ने ममता को चेतावनी देकर उनका मुंह बंद करवा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।